हेलो दोस्तों, रिया की दावत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज का रेसिपी है गाजर का हलवा, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं गाजर का हलवा कैसे बनाती हूँ। मैं इसे कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, तो आप सभी बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों जल्दी से गाजर का हलवा कैसे बनता है। तो मैं गाजर ली हूँ, 2 किलो गाजर है। इसको मैं धो के साफ करके अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। देखिए, मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ इसको गर्म करने के लिए। गर्म हो गया है ये, मैं पहले से चढ़ा रखी थी। अब इसमें मैं घी डालूँगी। पहले मैंने बनाया था गाजर का हलवा, वो मैं ओवन में बनाई थी। अब मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। अच्छे से मेल्ट होने पे इसमें गाजर डालूँगी। अब घी में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे गाजर को, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा उभर के आएगा। अब देखिए, इसमें गाजर डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ। थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते जाऊँगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे और ये बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, गलने लगता है और तुरंत थोड़ा सा हो जाता है। धीरे धीरे कम होता रहेगा, पकता रहेगा। देखिए, घी में भुनने के बाद ये इसका कलर अलग पीला सा होने लगा है। ये देखिए, इसी तरीके से इसको भूनते हुए सारे गाजर को इसमें डाल देना है। देखिए दोस्तों, ये कढ़ाई पूरी भर गई है 2 किलो गाजर में। अब इसको पकने के लिए मैं 20 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए दोस्तों, पूरे 10 मिनट हो गए हैं। इसके बीच में एक बार और चलाया था मैंने, और फिर से मैं दिखा रही हूँ चला के। ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है अभी। ये देखिए, धीरे धीरे कम हो रहा है। कढ़ाई हमारी भरी हुई थी, चलाने में भी नहीं बन रहा था। अब बहुत अच्छे से मैं इसको चला पा रही हूँ, और इसको 10 मिनट तक और अभी पकाना है ऐसे ही। देखिए, इसको ढक दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये 20 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। मैं बीच बीच में इसको ऐसे ही चला रही थी, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो पता चले बीच में ही जल जाए। तो देखिए, गाजर का पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। ये फुल क्रीम दूध है, फुल फैट है, तो ये 250 ml दूध है इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही पकाना है इसको, दूध के साथ पकाना है। सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर से इसको ढक के छोड़ देना है। हाई फ्लेम पे ही बनाना है। इसको ऐसे छोड़ देती हूँ मैं। अभी 10 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊँगी, बीच बीच भी चलाती रहूँगी। पानी बिल्कुल सुखाना है, इसका दूध जो डाली हूँ इसमें बिल्कुल सुखाना है इसको। देखिए दोस्तों, मैं इसको चला के देख रही हूँ बीच में। अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं। इसी बीच में मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो चीनी, ये देखिए, 300 ग्राम चीनी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसमें 300 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। और इसको इस तरह से मिक्स करना है। इसमें फिर से इसमें पानी छोड़ देगा, चीनी मेल्ट होगा तो इसमें पानी छोड़ देगा। और इसमें पकाना है इसको अच्छे से, पानी सूखने तक पकाना है इसको। तो इसको मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ऐसे ढक के ही पकाना है इसको 10 मिनट तक। ये 7 मिनट हो गया पकते हुए। अब मैं इसमें आधा खोया डाल रही हूँ। मेरे पास देखिए 300 ग्राम खोया लिया था, सबको मैंने कद्दूकस कर लिया और आधा आधा बांट लिया है मैं। और आधा खोया अब डाल दें इसमें। डाल के इसमें मिला लेना है अच्छे से। अगर दोस्तों, अगर खोया नहीं मिल रहा आपको, अगर नहीं बना पा रहे, तो मैंने एक खोया बनाने का वीडियो डाल रखा है पहले से। आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए, मैंने खोया को मिला लिया इसमें। अब इसको फिर से पकाना है। इसको 5 मिनट तक और ढक के पका। 5 मिनट बाद देखिए, इसमें से पानी सूखने लगा है। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे पकाऊंगी, इसका पानी बिल्कुल सुखा दूंगी मैं। इसका जो पानी है ये सूख जाएगा बिल्कुल।
देखिए मैंने इलायची को कूट लिया था, 3 इलायची है इसको मैं कूट ली थी। अब इसको मैं इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए, इससे बहुत ही अच्छे गाजर का हलवा में खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो इसमें डाल दिया मैंने, हरी वाली इलायची है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ फिर से, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए, ऊपर ऊपर घी आने लगेगा इसका पानी सूख जाने के बाद। इसका पूरा पानी सूख गया है और ये घी छोड़ने लगा है, ये देखिए बिल्कुल तले में घी छोड़ने लगा है सब जगह, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें और ये घी छोड़ रहा है। और हलवा बनके तैयार हो गया है। हमने इसे साइड में रख के ऑफ कर दिया मैंने, इसको यहाँ रखती हूँ। ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून मैंने खरबूजे का बीज लिया है, इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखिए इसको इसमें डाल के ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए दोस्तों खरबूजे का बीज बिल्कुल चटकने लगा है, अब इसको मैं इसी में डाल दूँगी, मैंने डाल दिया। अब ये काजू मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, थोड़े से काजू है टूटा हुआ, इसमें डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए 6-7 बादाम है, उसको मैंने काट लिया है 2-2 पीस में, और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर दूंगी काजू के साथ में ही। देखिए अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट कर देना है, दोनों हो गए रोस्ट। अब इसी में डाल देना है, ये देखिए इस तरह से डाल देना है। अब इसको मिला लेना है अच्छे से, इस तरह से मिला लेना है। कोई शादियों वाला हलवा बनके तैयार हो गया है, जैसे शादी पार्टी में जाते हैं और गाजर का हलवा मिलता है, वैसी वाली हलवा है। दोस्तों अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली के साथ ये गाजर का हलवा बनाकर एंजॉय करें और फीडबैक हमें दें। अब मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मैं इसमें खोया डालें, देखिए बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है गाजर का हलवा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर से मैं खोया डाल रही हूँ।